Dear fathers and sisters, Thomas Paul and my dear friends, we are on the last day of the workshop on evangelization, and we have been reflecting on how to be effective ministers of the word in our missions. And one of the foremost things to be effective ministers is to accept or to receive the gifts of the Holy Spirit, the charism, and to learn how to use it. And we have been trained to some extent these days to use the charism and become effective, efficient and fruitful ministers of the word. As we are around the Eucharistic table, let us avail this opportunity to pray to the Lord to make us more effective instruments to proclaim the good news to ourselves first and to others. And now we have few here. We have to multiply the ministers in our diocese so that the word, the message of Christ, the message of the kingdom of God should reach every nook and corner of our diocese. We shall keep this prayer as we enter into this Eucharistic celebration of Holy Liturgy. Pita, Putra, Pavitra Atma ke naam par. Amen. Ishwar ki mahima,
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र तत्व के पुण्यतथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरे नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन
हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी गलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहें। हे सबके प्रभु तो ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उठा करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वधा। आमीन। स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा गा, ऊंचे स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा गा। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु, पावन 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 ईश्वर दया कर, पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान अमर ईश्वर, तू भक्तों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमा कर अहम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।